तो दोस्तों आज हम नए रास्ते की ओर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पे एक गजर आया था पानी वाला, जिसके हम जा रहे। रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा कैसा है, पथरीला, काफ़ी खतरनाक भी, रोक भी लगे, पैर यहाँ जमा जमा के आपको आना पड़ेगा। ये देखिए चारों तरफ ऊपर जंगल ही जंगल है और नीचे नदी की आवाज़ आप शायद सुन पा रहे हो। ऐसा हम सब मिलके हमने सोचा कि चलो एक नया पुल बनाए यहाँ पे, उसको देखा जाए। यहाँ पे काफ़ी बड़ा गधेरा था, पूरा जंगल के एरिया है। यहीं पे गाय वगैरह जो है सब अपना चारा खाने आती हैं, गाय बकरी भेड़ सब। और सुना है यहाँ पे एक बाघ की गुफा भी है, तो हो सकता है हम वहाँ तक भी जाएं और देखेंगे कि कैसे दिखती है। देखिए सामने पानी का पाइप भी लगा रखा है, जो कि यहाँ पे नीचे जो गांव है उनमें पानी पहुँचाने का स्रोत है। अच्छा है, कल काफ़ी दो तीन दिन काफ़ी बारिश हुई थी। सबसे पुराना धारा है, सबसे पुराना धारा वो वाला। अच्छा, सबसे पुराना धारा। अभी राहुल बता रहे हैं कि इसमें अभी भी उतना ही पानी आता है जितना पहले आता था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बांध के जंगल हैं, चीड़ के पेड़ कम है, तो यहाँ पे पानी की काफ़ी बहुत है मात्रा है। यहाँ ना पहली बार जो है पानी देख रही है, ना पानी ना पानी। मछलियाँ यहाँ मारते थे, यहाँ नीचे तो फिर यही बनाते थे, यहीं खाते थे। भून के खाली, तेल में फ्राई कर ही खा ली। अरे वाह वाह, कितनी की बड़ी बड़ी मछलियाँ और कौन से टाइप वाली मिलती है, क्या नाम होता है? अरे वही बोल रहे हैं यहाँ पे जो होती है नॉर्मल। अच्छा, अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जंगली बेरी वाली नदी होती है ना, इस नदी में आ जाते हैं। छोटी जंगली बेरी का आनंद लेते हुए मच्छिया। बच्चों ने यहाँ पूल बना रखा है अपना, नहा रहे हैं मस्ती में। देखिए गधेरे में, ओए हो। हाँ, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्या है ये पेड़? ये आपका उत्तराखंड के पवित्री भूमि में आपका देवभूमि में स्वागत है। ये हम आप एक गधेरे की तरह अंदर घूमने जा रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से समय के बाद हम वहाँ जा रहे थे। आपको फल दिखाते हैं, पहाड़ी फल, इसको घिंगारू कहते हैं। घिंगारू होते हैं जस्ट लाइक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल एप्पल, इसको खा के बहुत मीठे मीठे होते हैं ये। हाँ, घिंगारू का फल है ये, आपको कई जगह इसकी झाड़ियाँ मिल जाएंगी, बुश में होता है ये। और ये आपको अगर यहाँ रोचे के गधेरे में जो बहुत बड़ा हमारा पुल बना हुआ है, और यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं साथ में। हाँ, ये रोचे का पुल है हमारा। तो ये इसी सीज़न में होता है क्या फल? हाँ, ये बरसात में ही होता है, और गर्मी के टाइम पर किलमोड़ी होती है, हिजालू होते हैं। तो ये भी मतलब खा सकते हैं? ये खाने वाला फल है, खाते हैं। ये वो पुल जो बना है बच्चे लोग बने? हाँ, ये पुल बना बनाया सरकार ने, यहाँ पर लोगों को नदी पार करने में, दरिया पार करने में परेशानी होती थी, ये नया पुल बनाया है। पहले वहाँ की तरह होते थे। अच्छा, पहले बाटा उधर को था, अभी ये इधर से पुल बन गया। बच्चे भैया यहाँ नहा के नदी में जो है मजे ले मजे आया पुल में। चारों तरफ यहाँ पे जंगल ही है। चलो पुल से फिर आगे भी कहीं जा रहे हैं? अरे हम जा रहे हैं यहाँ पर सोल का उड़ियार की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ पर सोल का उड़ियार है, बहुत मशहूर। हाँ, मतलब क्या है हमारे दर्शकों को, इसको शाही बोलते हैं। शाही मतलब पॉर्क्यूपाइन जो है वो? हाँ, उसके उसका यहाँ पर उड़ियार का मतलब जगह है, उसका जहाँ इसका घुसे रहते हैं वो लोग, और उसको पकड़ना होता है। तो उसमें
धुआं लगा देता है उसके अंदर, फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर लोग मारते भी हैं उनको, खेतों में बहुत नुकसान करते हैं। भाई आइए हम उस तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए भैया आज वहाँ दिखाएंगे कि कहाँ पे जो है ऑर्किपन रहता है उसका घर। ये देखिए इस गजरे में कितना साल, कितनी सुंदर यहाँ पे साल में पानी रहता है, बरसात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे पुल बनाया हुआ है। ये रास्ता सीधे गणनाथ मंदिर को भी जाता है, शिवजी भगवान की मंदिर को और मल्लिका मंदिर को। तो ये गणनाथ और मंदिर को सीधे रास्ता जा रहा है। ये एक और जो है स्विमिंग पूल, नेचुरल स्विमिंग पूल यहाँ पे है। राहुल काफ़ी टाइम यहाँ पे नहाया है बचपन में, भैंस ही नहलाते थे, खुद भी नहाते थे ये लोग यहाँ पे। ये कितना शानदार नज़ारा है। आज जो पूरा परिवार थोड़े से ट्रैकिंग पे रहा है, हमने अपना सोमेश्वर जाने का प्लान ड्रॉप करके सोचा थोड़ी सी ट्रैकिंग कर ली जाए। ये हाफ डे ट्रैकिंग है, फुल डे नहीं। तो साथ साथ आप देखिए, ये है जगह का नाम रोची कहते हैं इसको, और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बादल फटने से नदी आई थी तो इसका इसकी वजह से इसका नाम इसको गधेरा बोला जाता है। तो एकदम से पानी आता है वहाँ से, एक नहर जैसी बन जाती है। देखिए चारों तरफ जंगल, काफ़ी बार गणनाथ जाने के लिए काफ़ी शॉर्टकट भी है। और बताओ राहुल आपकी इस जगह के बारे में। यहाँ है, यहाँ पे सॉल रहते हैं, सॉल। अच्छा, उसके अंदर है गुफा। अच्छा, वो जो आप देख रहे हैं गुफा है, वहाँ से बहुत कहीं निकल सकते हैं। है? अच्छा, यहाँ से वहाँ ऊपर वाले उसमें निकल सकते हैं। गणनाथ मंदिर वही दूर का आपको भीम पत्थर दिखा देगा। ये महाभारत कालीन है, इसके ऊपर इतना ही पत्थर, बहुत पहले भी बहुत बड़ा पत्थर था, वो भी लोगों ने तोड़ के अपने मकान में बना मकान बना लिए। कहते हैं यह भीम पत्थर था, और राक्षसों से बचने के लिए पांडवों ने यहाँ पर दीवार बनानी चाहिए, लेकिन सवेरे हो गई, इसलिए ये भीम गलाया वो पत्थर है। हमारा मशहूर पत्थर है रोचे गधेरे का। अब आप हम शाही के अड्डे की तरफ ले चलते हैं। चलिए, और भी देखिए यहाँ पे घास लेके आ रही है, डेली मेरा काम है। ये यहाँ के घसारी है, जानवरों को पालने के लिए जंगल से घास लेके आते हैं, हरी हरी घास होती है बरसात के टाइम पे। इतना सुंदर दृश्य है, देखिए छोटे छोटे घर। आइए यहाँ से देखते हैं पॉर्क्यूपाइन की गुफा है। पता नहीं पॉर्क्यूपाइन यहाँ पे इतना फेमस है, यहाँ पे उसके कांटे भी काफ़ी दिखते हैं। तो जंगल का पानी है तो उसमें यहाँ पे इनकी गुफा है जो काफ़ी गहरी है बता रहे हैं, और कहाँ तक जाती है कुछ आइडिया नहीं। थोड़ा सा और पाओ बताएंगे क्योंकि इनका मोस्टली बचपन है। यहाँ पर दो साई, एक इस कोने में है और एक सामने दूसरे कोने में, एक मतलब तीसरा है, तीन है ये जहाँ पर साई है जंगली जानवर। ऐसे कहते हैं गुफा बहुत लंबी है, 2 किलोमीटर तक। बच्चे कुछ देर तक कुछ दूर तक इसमें जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो आगे नहीं जा पाते। बच्चे जा पाते हैं, फिर वापस यहाँ पहले पहले घूम घुस देते हैं इसमें। अभी तो अब सारा एकदम मिट्टी पत्थर भर गया, आबादी है नहीं। साई को मारने जो सॉल होता है, सॉल बोलता है इसको, और अपने कांटे छोड़ता है। हाँ हाँ, और भीम पत्थर के बाद अपनी सेल्फी भैया। ऐतिहासिक भीम पत्थर है, ऐतिहासिक भीम पत्थर है, उसके ऊपर पहले भी ऐसी पत्थर था एक, तो किसी ने भरा दिया वो और फोड़ के अपने घर बना लिया। तो भीम ने यहाँ पर दीवार बनानी चाहिए राक्षसों से बचने के लिए, फिर वो सवेरे हो गया तो दीवार अधूरी रह गई। सबसे ये इतने ही है, ये हमारे राहुल डेगी है, तीसरे गाँव के रहने वाले प्रधान। रात दिन जलाते रहते हैं, जानवरों को चराते रहते हैं इधर ऊपर। गणनाथ को जाने का मंदिर है और मल्लिका देवी का मंदिर है, बहुत मशहूर मंदिर है। कभी आके जो गुजारी है 2 दिन इसी रोचे गाड़ में। धन्यवाद भाई। सारा पूरा जितना बड़ा जंगल है, अकेले इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, बस कभी तो अकेले, कभी कभी साथ में भी, कभी बाघ वाघ किसी जानवर से इनकाउंटर ऐसा कभी देखा हो दूर दूरी। आज तक मैं पूरा जंगल घुमा, मुझे बाघ नहीं दिखा। बाघ नहीं दिया भाई, लोग बोलते बाघ है ये वो है, जब एक बाघ अकेला निकल गया तो कहाँ बाघ दिखेगा यार। बढ़िया, एक तो पूरा जंगल 2-3 बार तो मैं इतनी बार घूम चुका हूँ। अच्छा, पहले पूरा पूरा जंगल। अच्छा सर, इस साइड में जाते थे, वहाँ जाते थे, मतलब ऐसा नहीं एक बार में, कभी इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में भी पूरा ही घुमा ऊपर तक। अच्छा, पीछे तक है इसका तो।
अरे वाह, उस साइड में है ये, इस साइड में नवाई के साइड में हो गया, उस साइड हो गया वो वाला गणनाथ साइड वाला। चलो कभी वो भी फिर कवर करेंगे, कवर करेंगे वहाँ पर। अभी अगले बार आएंगे तो फिर पूरा कवर होगा। हाँ, अक्टूबर में नवंबर में। कुछ और गाना भी जो है ऐड करना चाहेंगे पापा, तो यहाँ पर पुराना गाना याद आ रहा है जब ये यहाँ आते थे। इसी पहाड़ी नज़ारों को देखते हुए सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली है, इसी को देखते सामने नदी बह रही है, तो मुझे दो लाइन फिर किसी गाने की फिक्र याद आ रही है, उसके आप उनको दो लाइन सुनाता हूँ। और आप हमारी बात न मानो, इनकी बात को सुन लो, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। नमस्कार, जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। राहुल जो है कुछ एक जंगली बेरी के मजे ले रहे हैं। किलमोड़ी, किलमोड़ी क्या नाम हुआ इनका? किलमोड़ी भैया, नीम पत्थर में बैठ के, नीम शिला पे। अच्छा, देखो वही है जंगली बेरी। देखो खाने का क्या तरीका है, इसको खाओ और ढूको गुठलियाँ। अच्छा, कोई नुकसान नहीं भैया, लाल जब हम आते थे पहले यही खाते थे, और वो हिस्सो ही होते थे, हिस्सो ही खाते थे। अच्छा, जो गाय चराने आते थे भैया, जो ऊपर ये जो जंगली आते हैं, वो जंगल को जाते हैं, उनका स्टेशन है, नीचे को आते हैं, उनका रोकते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब विश्राम है वहाँ पे। वो सर बताने बाद, अच्छा वहाँ पे विश्राम करने के लिए जो भी साधु संत आते होंगे मंदिर के लिए, जंगल अंगल भी जाते हैं। अच्छा, जंगल घास घास। अच्छा अच्छा, जैसे ही लेडीज आ रही है घास होते हैं, बहुत चीज़ें हैं यार यहाँ पे, पूरा जंगल की कहानी। हम पहले तो यहाँ ऊपर ऊपर वहाँ तक ऊपर ये ऊपर ऊपर जाते थे जंगल। अच्छा, यहाँ ऊपर गए यहाँ, एक बार हमारी बैल हो गई थी, पूरा जंगल थाम मारा था। अच्छा, पहले तो लोग यहाँ से पैदल ही सोमेश्वर भी चले जाते थे पहाड़ पहाड़ों में ना, सोमेश्वर अल्मोड़ा अल्मोड़ा तक जाते थे। ऊपर भूतादार ऊपर तो और ही अच्छा शांति एकदम है। अच्छा, ऊपर से गिर के आई नीचे, अरे खतरनाक से गिर। अच्छा, फिसल गई, फिसल गई वहाँ से, कुछ नहीं चाहिए लेकिन हुआ कुछ नहीं एकदम। अच्छा अच्छा, ये तो भैया देवभूमि का वो है चमत्कार, जंगली बेरी। यहाँ पे मंदिर भी है, अच्छा पूजा होती है, जैसे गाय बाई है तो उसकी पूजा यहाँ पे करते हैं। अच्छा, जानवरों की भी जो मंदिर बने हैं वहाँ पे, मंदिर है वो देखो। अच्छा, वो छोटा सा मंदिर आप देख पा रहे हैं तो वो वहाँ पे, वो गुफा के अंदर मंदिर है। हाँ, ऐसे ही पत्थर, मतलब ये एक और था इसके ऊपर? नहीं, एक ही था, वो टूट के फिर नीचे बह गया। पहले तो बहुत नदी आती थी यहाँ, यहाँ के ऊपर से कम हो गई। हाँ अच्छा, तो थोड़ा बाद चलिए, आप ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, काफ़ी धूप भी है और काफ़ी दिन चढ़ गया, तो हम वापस चल रहे हैं अपने गाँव को। शुक्रिया, आइए। पर दादी ने जो देखा था वो इसी के ऊपर बैठा देखा था एक दिन, हैं रात को बाघ देखा था? बाघ नहीं, सतरा देखा था। अरे अच्छा, हमारे जामाद राहुल कूद चुके हैं भैया धारा में, बहती धारा में अपने पैर धोने। देखिए भैया धारा, देखिए कितनी अच्छी लग रही, सुंदर एकदम सफ़ेद। अच्छा, अरे वाह,
तो नहाने का, लेकिन वो वहाँ से भी आ रहा देखिए। पूरा जंगल है यहाँ पे और इधर ही कहीं पे ऐसा बाहर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बिच्छू बूटी भी है, अलग अलग टाइप के है, काफ़ी वनस्पति और पेड़ वगैरह हैं यहाँ पे। जो इस टाइम बारिश सावन के महीने में तो बहुत ही दिखती है। ये भैया नया पुल, जिसकी बहुत आवश्यकता थी यहाँ पे, स्पेशली जो काम करते हैं लोग यहाँ पे लेडीज़ को, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा जो है गधेरा सा आ जाता था पानी का जो एक स्रोत है। ये देखिए भैया, पास में आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसे लोग यहाँ पे नहाते हैं। ये देखिए, ये बच्चे यहाँ डाइव कर करके नहा रहे थे अभी। ये वो स्विमिंग पूल है, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी है कमर तक, साफ पानी एकदम से कमा करेंगे। ये ढूंढा बाबा ने मशरूम, प्राकृतिक मशरूम है, इसकी यहाँ पर बहुत डिमांड है, खाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसके सामने जो आज का आर्टिफिशियल मशरूम है वो कोई, अच्छा उसका कोई टेस्ट और इतना टेस्टी। इसी तरह आपको नई नई जड़ी बूटियाँ पहाड़ की दिखाते रहेंगे। किलमोड़ी ईसोई के पेड़ भी लगे हैं यहाँ पे, गर्मी का फल। इसी बीच राहुल जो है एक पत्थरी का इलाज करने के लिए एक जड़ी होती है उसे ढूंढ रहे, बहुत मेहनत कर रही हैं, खा भी रखी है उन्होंने। इनको लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। अभी आपको अपने सामने लाइव एक पत्थर खा के दिखाएं, तालियों से स्वागत करेंगे। बांध की पेड़ सारे है, ये तो नहीं गड़ गड़। ट्रैकिंग है ये, ट्रैकिंग पहाड़ में हर कोई ट्रैकिंग। हम लोग भैया जो ट्रैकिंग पे गए थे, ओ भैया मिल चुका है बिग ब्रेकिंग न्यूज। अरे अच्छा, मेहंदी वाला पत्ता दिखा रहे हैं, हमें लगा वो पथरी वाला, पर मेहंदी वाला पत्ता दिखा दीजिए। ये इसका मेहंदी लगा के तो दिखाओ। अच्छा क्या होता है, पक जाता है क्या, पूरा पीला हो जाता है? हाथ से लगता है, सफेद होता है। तो ये नहीं हो पाएगा अभी क्योंकि हरा है। ठीक है, अभी मिल जाती तो काफी नौजवानों का, काफी लोगों का। चलो मिलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे, राहुल लगे हैं ढूंढ के ही मानेंगे। एक बार अगर ठान ले तो फिर अपने आप ही, सही बात है राहुल?
जंगली सुअरों के आने का रास्ता है। बहुत ही पुराने आज रास्ते पे पूरा ऊपर तक जंगल जंगल में सुअर हुआ हिरन, और इस जंगल में सुअर हिरन बाघ सब मिलेंगे इस वाले में। अच्छा यही रहते हो जाते थे? सांप एक बार एक कुत्ता पकड़ के लाया था यहाँ से, हिरन कुत्ता। अरे बाप रे, यहाँ नीचे लाया था, फिर बनाया था उसका वहाँ हिरन का शिकार खाया, मतलब है काफी स्वादिष्ट रहा होगा। बड़ा हिरन था कि छोटा? ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। अच्छा, मतलब कुत्ते नहीं करते, शिकारी कुत्ते होते हैं प्रसिद्ध भूटिया कुत्ते, पहाड़ी कुत्ते। और चाची ने तो यहीं पे लूट के ऊपर बाघ देखा था। हाँ यहीं बैठे थे पहले तो, यहाँ ये था ही, यहाँ हमारे ऐसे पिरोके लगे रहते हैं। एक बार पूरी आग लग गई यहाँ पे इसमें, पिरोकी पिरोकी रात को एक ने लगा दिया है। और वो साले किसमें बैठा पता, अपना लकड़ी के उसमें, जो हम वहां से लकड़ी हटाने लग गए तो अपना भी वहीं छिपा हुआ जिसने आग लगाई है। बताओ, खुद भी जलता दूसरे को भी, उसने पी रखी होगी पक्का। हाँ पी रखी थी, बस नशे में ये सब काम होते हैं। तो अब हम यहाँ पे नीचे में डालेंगे, ये है हमारे नीचे का रास्ता। और ये जो रास्ता है ऊपर, ये पूरा जंगल है। ये ऊपर जो जा रहा है ये मंदिर वाला है, ये पूरा ये पीछे पीछे पूरा वहाँ बजली गांव तक पूरा रास्ता है इसका। अच्छा, लेकिन लोग यहाँ से आते नहीं क्योंकि पूरा सुनसान इलाका है, तो लोग नीचे नीचे आते हैं। अच्छा, हमारे घरों से होते हैं। तो यहाँ भी मतलब जानवरों का खतरा है, बाघ वगैरह तो बहुत देखे हैं नीचे से गांव वालों ने भी। हाँ रात रात को बैठे हैं, पर शांति है यार यहाँ पे। और देखो शांति बिल्कुल है ना, बिल्कुल चिड़िया की आवाज़। दो मिनट हम चुप हो जाए तो देखो खाली चिड़िया की आवाज़ देखते हैं रिकॉर्ड होती है। झिंगूर से लेके मतलब चिड़िया तक की सबके आवाज़। हम नीचे को जाएंगे, यहाँ पे भैया बंदर ही बंदर है, लंगूर ही लंगूर है, इसलिए राहुल ने जो है डिफेंस में एक हथियार ले रखा है, लाठी, केवल डराने के लिए है, सेल्फ डिफेंस के लिए। वैसे ही देख के भाग जाएगा। हाँ वो भी कम छोटे नहीं है। हाँ थोड़ा बारिश वारिश में यहाँ पर सांप वाप और चोक जो होती है उनका खतरा बढ़ जाता है। आज धूप है तो आज थोड़ा कम रहेगा, आज धूप की थोड़ा वो हो जाएगा, कम होंगे वो है। लगते हैं जंगल अंगल भी जाते हैं। हाँ और तो कौन को लगते हैं, अपने पैर भी भैया चेक कर लो कहीं रास्ते में लग गए। ये गोट क्यों खुला हुआ है, इन्होंने दरवाजे बंद नहीं कराए यहाँ पे, तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग जो हम लेके आए हैं आपके लिए रसहरा गांव से। और काफ़ी अंदरूनी गांव में जो मार्ग हैं उस वहाँ आज हम आपको ले गए हैं, वहाँ से रास्ते से अपने को रूबरू कराया है सभी दोस्तों को कि गांव में असली रास्ते ऐसे होते हैं, ये सीमेंट पत्थर के नहीं होते, ये नेचुरल रास्ते होते हैं जो लोगों के रोज़ आना जाने की वजह से बनते हैं। तो राहुल अभी गए हैं यहाँ पे, देखिए इतना भाईचारा किसी और का वो है, वहाँ जानवरों को बांधा जाता है तो राहुल ने उसको बंद कर दिया, वो खुला शायद छोड़ गए थे गलती से। तो राहुल ने जो है ये कुछ अचानक से आवाज़ आई पीछे, वही होंगे लंगूर लगता है, लंगूर भैया आसपास ही हैं।
अरे जानवर नहीं, वहाँ पे वो रखा हुआ है ना सामान, सामान भी रखा है, सांस रखी है लकड़ी। हाँ हाँ, कोई बंदर वगैरह आ गए ना, कोई बाघ आ गए तो हाँ अंदर ही बैठ गया। हाँ देखिए कितनी हो रही है भाई आज, घास तो बहुत ही हो रही है, रास्ता ही नहीं दिख रहा, मकड़ी के जाले भी वो लग रहे हैं उन पर। बने बनाए रास्ता पे ट्रैकिंग किया, ट्रैकिंग भाई यहाँ रास्ता खुद बनाओ, देखो कितनी तगड़ी घास है भाई। फाइनली जो है अपने घर के साफ सुथरे रास्ते पे आ गए, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू राहुल, अगर आपको जल्दी दिखेंगे हमारे ब्लॉग पे, और ये लोग भी फाइनली यहाँ पहुँच गए थोड़ा ही।